शोहरत की फिजाओं में इतना ना उड़ो सागर, शोहरत की फिजाओं में इतना ना उड़ो सागर, परवाज ना खो जाए इन ऊंची उड़ानों में, परवाज ना खो जाए इन ऊंची उड़ानों में। सागर आजमी का ये शेर। आजकल होता ये चीज़ है कि आप अगर किसी पोस्ट पर पहुंचते हैं या किसी पोस्ट पर आप का अगर अपॉइंटमेंट होता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। इंसान और जानवर में बेसिक डिफरेंस जो है ना, ये सिर्फ हंसी का है। ये मुस्कुराहट जो हम लोगों को मिली है, जानवरों के पास ये चीज़ नहीं होती है। और कुछ लोग जब किसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो अपने आप को सो कॉल्ड इतना ये दिखाने की कोशिश करते हैं, एक मुखौटा सा अपने ऊपर एक ओढ़ लेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। इसी तरह की एक इंसिडेंट हमारे सामने आया। इंसिडेंट बेसिकली हंसी आती है। एक सीनियर थे, जब उनसे मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए मैंने अपना हाथ एक्सटेंड किया तो बदले में वो हाथ अपना उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया। इट्स अ ट्रिफल थिंग्स। लेकिन इंसान की ये मानसिकता, इंसान की ये मेंटेलिटी सोचिए कहाँ तक ले जाएगी। सख्त चेहरा बनाकर जब प्रकृति ने आपको, कुदरत ने हमें ये दिया है कि हंस के एक दूसरे से जब आदमी मिलता है, सोल टू सोल कांटेक्ट होता है, फिर आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाता है। तो वो साहब ज़बरदस्ती का एक मुखौटा लगाए हुए थे। इसी तरह का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के सामने। एक एम्प्लॉइज थे, उनको प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिलने के बाद जाहिर सी बात है ऑफिस वगैरह में वो अपने आप को उस माहौल में, उस नए माहौल में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो डिग्निटी जो होती है ना, वो मेंटेन कर रहे थे। आई एम जो हम होता है ना, इंसान के अंदर का जो छिपा हुआ हम होता है। एक बार ऑफिस में थे तो अचानक बाहर से किसी ने नॉक किया कि सर मे आई कम इन। तो उस वक्त तक तो वो फ्री थे, लेकिन उन्होंने अपना टेलीफोन उठाकर अपने आप को बिजी साबित करना शुरू किया। बिजी साबित करने के चक्कर में वो लगातार बात किए जा रहे हैं और गर्दन हिला हिला कर बात किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा काम, आपका हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग हम कर लेंगे, संभाल लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। अरे हम हैं तो फिर क्या सोचना, इस तरह की बातें कर रहे थे। कुछ देर के बाद जब वो बात उनकी फिनिश हो गई तो उन्होंने टेलीफोन को रखा और उसके बाद उस आदमी को अपने करीब बुलाया और पूछा गया कि तुम्हारा, बताओ तुम्हारा क्या काम है। उसने कहा कि सर हम एक टेलीफोन ऑपरेटर, एक मैकेनिक है और आपका ये जो टेलीफोन है ना, इसको कनेक्ट करने के लिए आए हैं। इतना सुनना था कि हजरत का चेहरा पर जो मुखौटा था वो बिल्कुल उतर गया। टेलीफोन में इनफैक्ट कनेक्शन नहीं था, बट ही वॉन्ट्स टू शो हिमसेल्फ सो बिजी एंड इम्पॉर्टेंस कि वो इस तरह का कर रहे थे। तो ये कब तक हम इस तरह के मुखौटे को लगाकर कब तक हम जी पाएंगे। प्रकृति ने हमें हंसने की सलाहियत दी है, एक दूसरे से घुल मिलकर जिंदगी गुजारने की सलाहियत दी है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। यही लॉन्गेविटी का एक साइन होता है कि जब आप इंटरनली खुले होंगे, कहीं पर ब्लॉकेज नहीं होगा, तो वी विल लीव अ हेल्दी लाइफ। एक छोटा सा वीडियो है बट एक काफी हिडन मैसेज है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे।